मान लीजिए अगर भगवान रहने के लिए धरती पर आ जाएं, तो वो अपनी नगरी स्वर्ग की तरह यहां कौन सी जगह चुनेंगे? नहीं पता? वैसे तो हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि भला स्वर्ग इनसे बेहतर क्या होगा। हालांकि आपने भी हमारे देश में कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स कभी ना कभी तो जरूर देखे होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश के गांव में है वो कहीं नहीं। अब गांव में भी घूमने के लिए भी आपके पास कई सारी चॉइसेस हैं, लेकिन जिनकी बात हम आज कर रहे हैं वो है नॉर्थ ईस्ट के लाचेन, मोलिनोंग और दुर्गापुर। आप छुट्टियां प्लान करते हैं और पहुंच जाते हैं वही भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट प्लेसेस पर। अरे जनाब, थोड़ा नजर घुमाइए तो एक नया अनुभव मिलेगा हमारे देश के इन शांत और सुंदर गांव में, जहां हमारे देश की आत्मा बसती है। अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं हूं ना आपका हम सफर। बस अब आप तैयार हो जाएं एक अनोखी यात्रा के लिए, तो आई एम श्योर आपके लिए बेहद यादगार साबित होगी। तो चलते हैं हमारे इन गांव की ओर जो है कुछ हटकर, कुछ अलग। और यात्रा का श्री गणेश करते हैं लाचेन से। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लाचेन 129 किलोमीटर दूर है। लाचेन जाने के लिए परमिट जरूरी है, जो आप गंगटोक से ही बनवा सकते हैं। इसी बहाने गंगटोक की भी खूबसूरती का नजारा ले लीजिए। ब्यूटीफुल सनी डे हियर, टेम्परेचर अराउंड मे बी 10 degrees, एंड वेरी कोऑपरेटिव पीपल, लवली पीपल हियर। ब्यूटी तो वैसे बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, कंचन जगह है, फ्लावर्स ऑफ और ये झाकरी फॉल्स, ये सब है। 6-7 घंटे की इस लुभावनी यात्रा में जैसे प्रकृति आपके साथ ही चलेगी। इस रास्ते में कई मशहूर झरने जैसे बैकथंग फॉल्स, सेवन सिस्टर फॉल्स, ताशी व्यू पॉइंट और नीचे बहती तीस्ता नदी है। सबसे पहले बागडोगरा से होकर गए दार्जिलिंग, पेलेंग, फिर गैंगटॉक, अब हम जा रहे हैं लाचुंग और लाचेन। मेरे अकॉर्डिंगली कंचनजंगा फॉल्स वॉज वेरी गुड एंड द स्टे देयर इन पेलेंग वॉज ऑल्सो वेरी गुड। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चेरी विलेज रिजॉर्ट, वी स्टेड देयर, इट वॉज रियली वेरी नाइस। एंड देन ऑन वे टू लाचेन वी होप दैट विल बी फर्दर हैविंग अ लॉट ऑफ एडवेंचर। गाड़ी का इस लकड़ी के पुल से गुजरना भी एक नया अनुभव लगेगा। ये जो रंगीन झंडे हैं ये तब लहराए जाते हैं जब घर में कोई विशेष पूजा हो, और जब किसी का देहांत हो तो ये सफेद झंडे। हिमालय पर्वत की गोद में बसा लाचेन 10,000 फुट की ऊंचाई पर है, जहां 150 से भी कम घर हैं। लाचेन की निवासी बुद्धिस्ट भूटियाज हैं, जो लाचेन पास कहलाते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया के इस रूरल डेस्टिनेशन पर आपका स्वागत है, लेकिन आपके साथ लाई मिनरल वाटर की बोतल का नहीं। सही भी है, जहां जाओ वहीं का पानी पियो। आप चाहें तो लाचेन में किसी के घर भी ठहर सकते हैं। सुबह पूजा घर से ही शुरू हो तो सारा दिन अच्छा रहेगा। पूजा घर में रखी ये सभी वस्तुएं पूजा की विभिन्न विधियों में काम आती हैं। हाँ, ऐसे मास्क पहनकर लाचेन वासी विशेष फेस्टिवल्स में यहां का मास्क डांस बड़े उल्लास से करते हैं। मन शुद्ध तो तन शुद्ध, और लाचेन में तो आपको घर में ही गाय, बकरी का दूध, बगीचे के फल व सब्जियां मिल जाएंगी, यहां तक कि गर्म कपड़ों के लिए ऊन भी। यहां के पहाड़ी पौधे जैसे पाइन और ये मशहूर मैपल लीफ आपका मन मोह लेंगे।
घर में प्रवेश करते ही आपको हर चीज अपने फिक्स्ड स्थान पर मिलेगी। हवा में सूखती चुरपी यानी चीज हो, मसाले पीसने की अलग ही दिखने वाली आर्टिस्टिक ओखली हो, ये पानी से भरा बर्तन जो घर में पवित्रता का प्रतीक है, विभिन्न जानवरों को बांधने के पट्टे हो या फिर सर पर पहनने वाली हैट्स हो, सभी का अपना अपना स्थान है। इन घरों की रंगीन और डिजाइनदार बैठक देखते ही आपका कुछ सुस्ताने का मूड बन जाएगा। फिर पास ही ये अलाव हो जो आपकी सर्दी ही नहीं भगाता, आपके लिए खाना भी बनाता है, और साथ में ही मिल जाए घर में बनाई गई ये ताजा ड्रिंक, तो और क्या चाहिए। मेरे बैंबू, yeah, this also bamboo, whole thing, and this, they put this kind of structure so that you can, it just keeps its shape uniformly. So when you put hot water, if you don't have this kind of bars, when you put the hot water, so the bamboo may get expanded. So they are using this kind of band, okay, this aluminum band. यहाँ का हर घर एक फिक्स्ड पैटर्न पर बनाया गया है। घर के अहाते में लकड़ी रखने की जगह परमानेंट है। वैसे भी यहाँ के फर्श वगैरह लकड़ी और बांस के ही हैं, और छतें बारिश और बर्फ से बचने के लिए ऐसी तिकोनी है। आप टीवी देखने के शौकीन हो तो बता दें कि कभी बर्फ से यहां के डिश एंटीना जाम हो जाते हैं। उसी बर्फीली हवा में लोग डिश पर गर्म पानी डालकर बर्फ पिघलाते हैं, टीवी जो देखना है। लेकिन इस मॉडर्न सोलर एनर्जी के इस्तेमाल का भी मौसम आता है लाचेन में। आप लाचेन आए और गुरडोंग मार नहीं गए तो जैसे गंगा गए और नहाए नहीं। इस धार्मिक झील की बहुत मान्यता है। वाह, कितनी शांति है इस पवित्र स्थान पर। लेकिन इस पावन झील तक आइएगा पूरी तैयारी के साथ। गुरडोंग मार्ग 17,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है। भारत तिब्बत बॉर्डर पर बसी इस जगह पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए सावधानी से रहिएगा। चक्कर आ रहे हैं, और चक्कर तो आ ही रहे हैं, बट आई एम फीलिंग लिटिल बिट। उन्होंने कोई दवाई दी है स्मेल करने से, ताकि जो ऑक्सीजन हो उसकी थोड़ी सी कमी पूरी हो। बिकॉज ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मान्यता यह है कि यहाँ आने वालों को तो पुण्य मिलेगा ही, अपने परिचितों के वस्त्र लाकर आप इस पावन झील में भिगो दें तो उन्हें भी घर बैठे ही पुण्य मिलेगा। यहीं से तिएस्ता नदी का भी स्रोत है। साल में काफी समय तक ये झील बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन किसी ना किसी कोने में आपको यहां का पवित्र पानी मिल ही जाएगा। इस ऊंचाई पर ही पालतू याक पाए जाते हैं। विशेष मौकों पर यहां की याक रेस होती है जो बड़ी प्रसिद्ध है। फिलहाल तो ये याक किसी ट्रैक के मूड में जा रहे हैं। आप भी लाचेन में कई ट्रैक्स पर जा सकते हैं, जैसे किसी झरने योमथांग, चौपटा या हॉट स्प्रिंग तक। लाचेन की मॉनेस्ट्री तक सड़क है, लेकिन आप वहां भी चलकर जा सकते हैं। इस मॉनेस्ट्री में लोग पूजा करने तो आते ही हैं, यहां के बड़े फेस्टिवल्स भी यही मनाते हैं। जहां एक ओर इस भव्य मॉनेस्ट्री के भव्य मंदिर में तरह तरह के साजों की धुन पर पूजा होती है, वहीं ऊपर से गांव के कौवों को पुकार कर एक विशेष आहार का दान दिया जाता है। ये आहार यहीं पर बनता है। समय समय पर इन वाद्यों को भी बजाया जाता है। मॉनेस्ट्री में बनी ये कलरफुल पेंटिंग्स यहीं की कोई ना कोई लोक कथा दर्शाती है, जो आपको भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। मॉनेस्ट्री के स्कूल में ये बच्चे शिक्षा पाकर लामा बनने की तैयारी कर रहे हैं। लाचेन की गलियों में घूमते हुए
आप यहाँ की संस्कृति की झलक देखिए, मौज मस्ती करते लोगों से मिलिए, चाहे तो आप यहाँ की ही ड्रेस बखू पहनकर घूमिए। छोटे छोटे घरों में झांकिए, वहां का रहन सहन देखिए। ये कलाकार भी गली में एक ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं जिसमें पुण्य की पाप पर विजय दर्शाई जा रही है। People can come to Sikkim if they really likes and wants to enjoy the natural beauty. I on behalf of Sikkim welcome you all. यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे, मासूम और हंसमुख हैं। देखिए ना, कितने प्यार से आपके लिए यहाँ के स्पेशल मोमो बना रहे हैं। क्यों आ गया ना मुंह में पानी? I know, इस खुशनुमा जगह लाचेन को छोड़कर जाने का आपका बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन अभी तो आपको देखना है एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव जो हमारे ही देश में है। तो लाचेन को अपनी खूबसूरत यादों में बसाकर और यहां फिर लौटने का वादा करके हम चलते हैं अपने अगले सफर की ओर, मेघालय के गांव मावली डोंग की ओर। लाचेन से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन जाते हुए आपको रास्ते में इतनी विविधता मिलेगी कि सफर का पता ही नहीं चलेगा। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ यहां की प्रोग्रेस दर्शाते डैम्स और कोरोनेशन ब्रिज, स्टेशन के बाहर ये पुराने जमाने का इंजन, यूं कहिए ये सब आपकी यात्रा के बोनस हैं। जलपाईगुड़ी से ट्रेन आपको गुवाहाटी ले जाएगी। और वहां से सड़क द्वारा मेघालय की राजधानी शिलांग। शिलांग से मौलिनोंग विलेज लगभग 90 किलोमीटर दूर है। खासी हिल्स के पूर्व में स्थित मौलिनोंग भारत बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है। इसे 2003 में एशिया का और 2005 में भारत का सबसे साफ गांव घोषित किया गया है। जो भी टूरिस्ट मौलिनोंग आते हैं उनके लिए ये विशेष कार पार्क बनाया गया है। आप भी कार यहीं छोड़िए और पैदल इस गांव का आनंद लीजिए। इसी चौक पर यहां का रेस्टोरेंट है, एक अलग अंदाज लिए हुए। यही आंगनवाड़ी है। इन सभी जगहों पर एक बात कॉमन है और वो है यहां की सफाई। अब समझ में आया ये गांव क्लीन विलेज के नाम से मशहूर क्यों है। कहीं कोई कचरा नहीं है, हर जगह एकदम साफ। आपको यहां की गलियों में घूमते हुए यही बात बार बार मन में आएगी। मौलिनोंग में 100 से भी कम घर है और करीब 550 की आबादी है। जितना सुंदर गांव उतने ही सुंदर और भले यहां के लोग हैं। यहां की एक और खासियत है यहां की 100% साक्षरता। छोटे से लेकर बड़े तक हर बच्चा स्कूल जाता है। ये गांव इसी पढ़ी लिखी सोच का नतीजा है। यहां का हर घर अनोखा है, निराला है और अब तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि एकदम साफ सुथरा है। यहां होटल्स भी हैं और आप चाहें तो कुछ घरों में मेहमानों का भी स्वागत है, जैसे ये छोटा सा घर। आप देखेंगे कि मौलिनोंग में बांस का प्रयोग बहुत चीजों में होता है। बांस की सीढ़ी, बांस का पुल, घर की चीजें और ये खास बांस से बनी कचरा टोकरी जो जगह जगह पर रखी हुई है। इसमें छोटे से छोटे कचरे का टुकड़ा भी डाला जाता है। घर और सड़कों की कचरा पेटी का कचरा एक गड्ढा जिसे कंपोस्ट होल कहते हैं उसमें डालकर जलाया जाता है। यह कंपोस्ट होल गांव की सीमा पर स्थित है। मौलिनोंग के हर घर में पेड़ लगाए हुए हैं। हर घर में हरियाली फैलाता एक बागीचा है। इस बाग में सुपारी, केले, अनानास और यहीं का लोकल फल जमुरा शामिल है। लगता है हर घर में ही एक बॉटनिकल गार्डन है। यहां का मुख्य व्यवसाय भी खेती ही है, जहां सुपारी, पान, तेज पत्ता, अनानास वगैरह उगाए जाते हैं। मौलिनोंग में इंसानों का कमाल देख कुदरत ने भी उन्हें एक नायाब भेंट दी है।
आप एक छोटे से ट्रैक के बाद गांव के नीचे बहती नदी पर बने इस तोहफे तक पहुंच सकते हैं। यह है कुदरत का कमाल। ये पुल बना है इस बरगद की फैलती जड़ों से। इतनी विशाल जड़ें, अब तो ये बता पाना भी मुश्किल है कि ये पुल किस जड़ से शुरू हुआ और किस जड़ तक खत्म हो रहा है। इस पुल को रूट ब्रिज कहते हैं, इसकी जड़ों के कारण। इस अनोखे तोहफे को आप चारों ओर से देखिए और जितना देखेंगे उतनी ही हैरानी बढ़ती जाएगी। यहां के लोकल्स के लिए भी ये एक आकर्षण का केंद्र है। अभी प्राकृतिक कमाल की पिक्चर बाकी है भाई, आप भी देखेंगे एक और कुदरत का करिश्मा। यह है यहां का बैलेंसिंग रॉक। लगता है यह चट्टान ओलंपिक्स में जाती तो बैलेंसिंग एक्ट का गोल्ड मेडल इसे ही मिलता। यह बांस से बनी सीढ़ी बांस से ही बने एक ऊंचे मचान तक जा रही। जरा संभल कर आइए और फिर देखिए इस गांव की वादियों का 70 mm नजारा। यहीं से बांग्लादेश की सीमा भी नजर आती है। आप चाहें तो बांग्लादेश बॉर्डर तक ट्रैक करते हुए जा सकते हैं। इस नोटिस बोर्ड पर लिखी हिदायतों पर हम अमल करें तो हर जगह मोलिनोंग की तरह साफ सुथरी बन जाएगी। यहां की स्त्रियों के इस पहनावे को जैन कृषा कहते हैं। ये सादगी इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। ये महिलाएं सरकार की नरेगा स्कीम के अंतर्गत यहां की नहरों के लिए पत्थर तैयार कर रही हैं। मोलिनोंग में लोग जीते जी तो सुंदर वातावरण में रहते ही हैं। इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी उतने ही साफ वातावरण में दफनाए जाते हैं। रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का सही मतलब यहां की सिमेट्री को देखकर समझ में आता है। इस गांव को साफ रखने में लोगों के अलावा यहां के ऑफिशियल क्लीनर्स का भी योगदान है, जो पूरी लगन और मेहनत से यहां की सफाई करने में मग्न है। मोलिनोंग को वाकई में ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त है। ये गांव हम सब के लिए एक मिसाल है कि आप अपनी धरती मां को साफ सुथरी चमकती दमकती रखें। कहते हैं ना, एक से भले दो और दो से भले तीन, और हम यहां बात कर रहे हैं हमारे देश के तीन सुंदर गांव की। अब हमारे अगले गांव को देखने के साथ साथ आप देख सकते हैं एक ऐसे जानवर को जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। जी हाँ, एक सींग वाला गैंडा, द वन हॉर्न राइनोसोरस। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस तीसरे गांव की ओर चलने के लिए? ये गांव है आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क की सीमा पर बसा बेहद मनमोहक दुर्गापुर। अगर कहीं जानवर और इंसान का मधुर संगम देखना हो, उनके बीच की मैत्री देखनी हो, तो यही वो जगह है। एक ओर है काजीरंगा में बसे जानवर और दूसरी ओर है दुर्गापुर के लोग। करीब 80 घरों और 500 लोगों के इस गांव दुर्गापुर में सभी जातियां कोरिता, कोच और क्योंत बड़े मिलजुल कर रहते हैं। हमारा तो दिन ही यहां के स्कूल की प्रार्थना से शुरू हुआ है। जहां एक और बड़ों का स्कूल है, वहीं बच्चों के लिए आंगनबाड़ी भी है। ऐसी मासूमियत की हर दिल को लुभा जाए। आपने देखी यहां की सभ्यता। बचपन से सिखाया जाता है कि बड़े नाम पूछें तो पहले नमस्कार करो, फिर नाम बताओ। यही संस्कार जीवन भर साथ चलते हैं। ये छोटा सा घर आगे चलकर इस गांव का म्यूजियम बनने वाला है। दुर्गापुर की छोटी छोटी सड़कों पर हर जगह हर मोड़ पर कुछ नया और रोचक देखने को मिलेगा। हर घर एक अलग कहानी कहता है। कहीं संगीत की गूंज है, कहीं जानवरों की पुकार है। हर आंगन में कुछ ना कुछ हटकर है, वो गाय का तबेला हो या बांस का गैराज या ये बतख घर। घरों के अंदर भी आपको एक अलग माहौल नजर आएगा। यहां भी बांस से बनी वस्तुएं हैं। यहां की दीवारें और फर्श भी मिट्टी और गोबर के लेप से बने हैं।
बहुत ही साफ और सुंदर नजर आ रहे हैं। ये महिला तो ताजा ताजा लेप लगा रही है। लो, हो गई पक्की दीवार खड़ी। फल फूल सब्जी तो लोग घरों के बाहर उगाते ही हैं, लेकिन दुर्गापुर में तो लोग अपने बगीचे में चाय भी उगाते हैं। ये भी खूब रही, जब मर्जी हो अपने पसंद की ताजा ताजा चाय पियो। पान और सुपारी का असली मेल तो यहाँ है। ये पान की बेल इस सुपारी के पेड़ से लिपटी फैल रही है। भाई साथ दो तो ऐसे दो। दुर्गापुर में मुख्य व्यवसाय है खेती का, कामगार का और बुनकर का। ये देखिए, यहां का ही पहनावा मेखला चादर यहीं बुना जा रहा है। जितनी रंगीन ये पोशाक है उतना ही मजा इसे बनते हुए देखने में भी है। सोचकर हैरानी होती है कि ये धागे आगे जाकर कपड़ों में बदल जाएंगे। ये मॉडिफाइड चरखा देखा आपने? इस जगह है धागों से कपड़ा बनने की कहानी, इन हाथों की जुबानी। आपने नोटिस किया ना कि हर जगह की तरह यहां वीविंग में भी बांस का पूरा पूरा उपयोग किया गया है। दुर्गापुर की खासियत है यहां का फेमस मुगा और एरी सिल्क। इन पेड़ों पर रेशम के कीड़े पाए जाते हैं और फिर उन्हीं के कुकून से निकलते हैं ये धागे, जो बुने जाते हैं सिर्फ यहीं पाए जाने वाले इस स्पेशल सिल्क शॉल में। आप भी यहां से निशानी के रूप में ये शॉल जरूर लेकर जाइएगा। भाई काम की बातें तो बहुत हो गई, इसलिए चलते हैं एक खास जगह पर। यहां है ये नामघर, जहां पर यहां के लोग अपने कल्चरल कार्यक्रम और पूजा के लिए आते हैं। यही गांव वाले अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं और कह सकते हैं कि ये जगह इनकी गेट टुगेदर की जगह है। पूजा के समय यहां ढोल नगाड़े बजते हैं, जो श्रद्धा और मस्ती का अनोखा संगम लेकर आते हैं। नामघर के पास ही यहां का शिव मंदिर है, हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ। यहां आकर जो शांति मन को मिलती है वो यहीं आकर महसूस की जा सकती है। यहां के मंदिरों में, वो घर में हो या बाहर, मूर्ति रखने की प्रथा नहीं है। सिर्फ कपड़ों से ही सजाकर ऐसा आभास होता है जैसे इन कपड़ों के पीछे मूर्ति है। असल में उस स्थान पर कोई मूर्ति नहीं है। दुर्गापुर की सीमा से बहती निजोरी नदी यहां खेतों में तो पानी पहुंचाती ही है, साथ ही साथ यहां के लोगों के लिए ताजी मछलियों का भी इंतजाम करती है। नदी पर एक छोटा सा डैम है जिसके गेट से पानी खेतों के लिए निकल जाता है। यहां रहने वालों के तो बड़े ठाट हैं। घर से निकले, जाल फेंका, मछली पकड़ी, लो जी हो गई खाने की तैयारी। बाप तो बाप, बच्चे भी कम नहीं है। यहां के किसान पान सब्जियां और चावल की खेती करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप और मैं इनके साथ हो लेते हैं और मिलकर गाना गाते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। फ्रेंड्स, मेरा दावा है कि अगर आप इन गांव में एक बार आएंगे तो आपका जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो क्यों ना हम चलते चलते दुर्गापुर की लोकल सवारी, जिसे मैजिक कहते हैं, उसकी सवारी कर लें। और इसके बाद आपका भी दिल यही कहेगा कि काश कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि हमारा सारा देश ही लाचेन, मौलीनोंग और दुर्गापुर की तरह खूबसूरत बन जाए, और जो शांति हमें इन गांव में आकर मिलती है वो सबके जीवन में आ जाए। तो फिर आप वेट किस बात का कर रहे हैं? फटाफट प्लान कीजिए यहां आने का और खुद आकर देखिए कि आप अपनी लाइफ में क्या मिस कर रहे थे। और जब तक आप यहां आने की प्लानिंग करते हैं, तब तक हम हमेशा की तरह आपके लिए हमारे देश की ऐसी ही सुंदर और अनदेखी जगहों के अगले सफर की तैयारी करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।